यह क्वेश्चन नॉन कंस्ट्रक्शन ऑफ मुक्तसर मालकोट रोड NH 354A इन पंजाब स्पेसिफिक इस पंजाब की सड़क के बारे में, इसलिए सप्लीमेंट्री भी इसी के बारे में होगी। माननीय श्री संत बलबीर सिंह जी, आप जी दे माननीय मंत्री जी, आपने फर्स्ट सप्लीमेंट्री, पहला सवाल असी मुक्तसर मलोट जिहड़ी सड़क आ तकरीबन 2013 दे विच उत्ते प्री मिक्स पिया सी ते उत्थे 40 मुक्तियां दी पवित्र धरती आ, करोड़ां संगतां उत्थे आउंदियां ते इस वास्ते बड़ी दिक्कत आ, टोए पए होए आ ते असी मंत्री साहब को जानना चाहुंदे आ कि उह कदों तैयार होगी तां कि लोकां नूं राहत मिले, इही असी जानना चाहुंदे आ। धन्यवाद धन्यवाद। सम्मान्य उपाध्यक्ष महोदय जी, इस प्रोजेक्ट में टेंडर भी निकला है, सब बातें पूरी हुई है, केवल अपॉइंटमेंट डेट दी नहीं गई। अपॉइंटमेंट डेट इसलिए नहीं दी गई कि इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिले। इसमें 10 हेक्टर लैंड, 9.9995 हेक्टर लैंड इज पेंडिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट। प्रपोजल फॉर स्टेज वन फॉरेस्ट क्लियरेंस हैज बीन रिटर्न 3 times by DFO on 11th August 2022 and twice on 13th October 2022 and again returned 2 times by nodal officer of forest department on 22 and 23 November. Now the samasya ye hai ki jab tak forest environment ka clearance nahi milta tab tak hum appointment date dete nahi, kyunki kaam shuru ho jata aur phir dete nahi, phir wo claim dalta hai। मुझे आपकी बात बिल्कुल मान्य है कि रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमने मंजूर किया है, टेंडर निकाला है, कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए तैयार है, पर पिछले अनेक दिनों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लियरेंस न मिलने के कारण हमने उसको अपॉइंटमेंट डेट नहीं दी है। आप भी प्रयास करिए, मैं भी करता हूँ, और ये मिलने के बाद तुरंत काम शुरू करेंगे और 18 महीने के अंदर काम पूरा कर सकते। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है। दूसरा क्वेश्चन साडा एक हुशियारपुर तो आदमपुर जिहड़ी सड़क आ उहदे उत्ते जिहड़ा है रुकिया होया काम आ, उह सड़क विच इह बड़ी प्रॉब्लम आ रही आ। आदमपुर हवाई अड्डा बन गया पर उहदी जिहड़ी सड़क आ जिहड़ा रस्ता वा उहदे विचों उह बड़ी दिक्कत आउंदी थैर दे विच, उहदे बारे जानना चाहुंदा। सर वो नेशनल हाईवे है कि नहीं ये कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वी आर ओनली ऑथोराइज, हम राष्ट्रीय महामार्ग पर ही काम कर सकते हैं। फिर भी आपने बताया अगर वो NH है तो मुझे अभी जानकारी नहीं है उसकी क्या स्थिति है, पर मैं वेरीफाई करूंगा और NH होगा तो उसको सुधारने का काम। धन्यवाद। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, यह सवाल पंजाब का है, अगर इस पर आपका सवाल है तो उसकी इजाज़त तो नहीं। श्री जुगल सिंह जी, क्या पंजाब से संबंधित सवाल है? आप धन्यवाद सर, पंजाब किस प्रोजेक्ट से? मैं पंजाब से ही बात कर रहा हूं सर। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपने गुजरात के सूरत के अंदर स्टील के वेस्ट से, मतलब सॉल से जो सड़क बनाई है, उस तरह का पंजाब के अंदर सड़क बनाने का कोई आयोजन है? नहीं, ये 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 सवाल इससे जुड़ा नहीं। प्लीज, वी आर मूविंग टू अदर क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 82, माननीय श्री अनिल देसाई, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी, पाटीदार जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। देश भर में एकलव्य आदर्श विद्यालय स्थापित करने के लिए मैं सरकार की सराहना कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि इन आवासीय विद्यालयों में स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई योजना संचालित करने की योजना है क्या? साथ ही छात्राओं के लिए कोई विशेष योजना संचालित करने की योजना है क्या? साथ ही मध्य प्रदेश में कितने एकलव्य आदर्श विद्यालय संचालित है और कितने नए प्रस्तावित है? आपने दो सवाल पूछे, एक ही पूछना। महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, प्लीज
के जो हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है उसमें स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, इस बारे में अभी इस समय इस तरह का कोई नीतिगत फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आगामी दिनों में इस पर क्या किया जा सकता है इस पर ज़रूर विचार किया जाएगा, क्योंकि आज समय आया है जब हम लर्निंग अर्निंग प्रोग्राम को साथ साथ लेकर के चलें। दूसरा विषय इन्होंने जो पूछा है कि मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो विद्यालय इस समय चल रहे हैं और जो स्वीकृत किए गए हैं उसकी सूची भी उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि ताकि वो पूरे स्कूल के मामले में जानकारी हासिल कर ले। जैसे सभापटल पर उत्तर दे दिया गया है, मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर इस समय 70 विद्यालय स्वीकृत की गई है और 63 विद्यालय अभी इस समय फंक्शनल है और बाकी में काम चल रहे हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया गया जो पूरे देश भर में चल रही है। थैंक यू। माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया उपसभापति महोदय। मुझे माननीय मंत्री जी से जानना है कि एक तो सर एकलव्य प्रताड़ना और एक्सक्लूजन का प्रतीक है, तो मैं समझता हूँ कि इसका नाम अगर बिरसा फुले पेरियार हुआ होता तो बेहतर हुआ होता। बहरा मेरा सवाल है कि ये जो EMRS के खोलने की जो एक सीलिंग है कि 50% इन ईच ब्लॉक वो आबादी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ सर अगर इस इन विद्यालयों के विस्तार को देखें तो क्या मिनिस्ट्री ऐसा सोच रही है कि इसे 50 से घटाकर 30 से 35% किया जाए आबादी के लिहाज से प्रति ब्लॉक। शुक्रिया सर। जय हिंद। माननीय उपसभापति महोदय, जो हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो ग्रंथ है, उसके अनुसार एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का नामांकन किया गया है। वैसे मैं अर्जुन हूँ और इस नाते मैं कह सकता हूँ कि अर्जुन और एकलव्य का संवाद अब नए तरीके से प्रारंभ हो रहा है इस वजह। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय उपसभापति महोदय आपके माध्यम से कि आप 50% से अधिक एवं 20,000 से अधिक आबादी वाले देश भर के जितने ऐसे ब्लॉक्स हैं वो सारे ब्लॉक्स में ये विद्यालय बनाए जाए, एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई और जो लगभग 29,000 करोड़ की यह योजना वित्त मंत्रालय के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वीकृत किया गया है। अब ये कार्य चल रहा है। इस कार्य को चलने के बाद, इस कार्य को समाप्त करने के बाद, क्योंकि इसमें 740 स्कूल हो जाएंगे देश भर में, जितने नवोदय विद्यालय ने उससे अधिक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हो जाएंगे, तो यह योजना जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद आगे के दिनों में, आने वाले दिनों में लगातार ये रिसर्च प्रोग्राम चलते रहेगा कि आगे एजुकेशनल सेक्टर में ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से क्या और किया जा सकता है। धन्यवाद। माननीय विप्लव देव जी। महोदय, मैं पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़े मात्रा में एकलव्य विद्यालय पूरे देश भर में किया गया है। और मैं जिस राज्य से आता हूँ, त्रिपुरा में एक समय 4 एकलव्य विद्यालय थे, माननीय मंत्री जी ने 18 एकलव्य विद्यालय दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। किंतु साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है वो समय पर हो, इसके लिए कोई मॉनिटरिंग व्यवस्था है क्या? नहीं, और वो नहीं हो तो कब तक ये की जाएगी, ये मेरा प्रश्न है। धन्यवाद। इसकी पूरी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। हमारा एक एजेंसी, एक तो नेस्ट जो एक मिशन मोड में काम कर रहा है और दूसरा जो भारत सरकार के ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें हमने IIT को भी इन्वॉल्व किया है कि उसको समय समय पर उसकी गुणवत्ता की जांच करे, और इसके अलावा भारत सरकार की कई एजेंसियों के साथ मिल करके काम कर रहे हैं, क्योंकि यह देश भर में प्रोजेक्ट चल रहा है। कुछ क्षेत्रों में
जमीन से संबंधित कई समस्याएं उभर करके सामने आई, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है कि मिनिमम 15 एकड़ और 25 एकड़ के बीच में जमीन उपलब्ध हो, लैंड उपलब्ध हो, ताकि हम आने वाले दिनों में, मुझे कहते हुए खुशी हो रही कि इसमें हमने 4 मैदान खेल के लिए और 4 कंपलसरी गेम रखा है कि प्रत्येक विद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध हो सके, क्योंकि देश में जो खेल की संभावना है उसको हम अपने एकलव्य मॉडल स्कूल में सही तरीके से प्रतिबिंब कर सके। धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर 83, माननीय नीरज डांगी जी। माननीय नीरज डांगी जी, नॉट स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ हाउस। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्रीमती कांता करदम जी। वैसे तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। मैं आप सर आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के हेतु कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है? थैंक यू सर। थोड़ा स्किलिंग के थोड़ा बैकग्राउंड एक कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने माननीय सांसद जी को देना चाहता हूं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हमारे सरकार आए, तभी ये जो साइज ऑफ द प्रॉब्लम, 30 करोड़ से ज़्यादा अनस्किल्ड युवा थे हमारे वर्कफोर्स में, 30 करोड़, दैट वाज द साइज ऑफ द प्रॉब्लम इन 2014। और हर साल 1.6 करोड़ अनस्किल्ड युवा हमारे वर्कफोर्स में ऐड होते थे। ये था एक कॉन्टेक्स्ट और एक बैकग्राउंड ऑफ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। और पिछले 8 साल में सर हमारे सरकार ने एक तरह से एक एक्सपेंसिव स्किल का नेटवर्क और स्किलिंग प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, जहां पर लोग लॉन्ग टर्म ITI में नैप्स अप्रेंटिस स्कीम, JSS और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4 प्रोग्राम से हमने पिछले 7 साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को स्किलिंग प्रदान किया है। सर माननीय सांसद ने पूछा है कि टेक्नोलॉजी के एरिया में कितने स्टूडेंट्स को हमने स्किल किए हैं पिछले 3 साल में, और उसका नंबर है 13 लाख, यानी कि 13,25,760 टोटल टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स में। सर थैंक यू।